नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। रामनवमी और राम जन्मोत्सव की सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को समय जगत समूह की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा मलेरा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र दीक्षित से खास बातचीत। दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उत्सव की लहर चल रही है और दमोह लोकसभा प्रत्याशी प्रताप सिंह लोधी जी के समर्थन में पूरा युवा जोश के साथ खड़ा है। बात होती मध्य प्रदेश की, इसका मध्य प्रदेश के काफी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र घूमते हुए हमें दमोह लोकसभा क्षेत्र में आए हैं और बड़ा मलेरा विधानसभा क्षेत्र जो छतरपुर में लगता है। वर्तमान में अभी प्रद्युम्न सिंह राजपूत विधायक बने हैं और कांग्रेस के नरेंद्र दीक्षित जी हमारे साथ बैठे ब्लॉक अध्यक्ष। 10 साल से कांग्रेस के यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष, जो काफी राजनीति के पकड़े हुए नेता माने जाते हैं कांग्रेस में, NSCI में भी कई विभिन्न प्रकार के पद रहे हैं। अब जैसे कुछ चर्चा होती है विकास के मामले में और नई सरकार के विषय में, क्या नई सरकार बनी है कांग्रेस की, क्या अपेक्षा है आपकी कांग्रेस से जुड़ी है, क्या जनता को क्या लाभ हो रहा है? कांग्रेस जो कहती है वो करती है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की मंशा अनुरूप चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो एक वचन पत्र लागू किया था, उस वचन पत्र में जैसे कि जय किसान कर्ज माफी योजना थी, गांव में गौशालाओं का निर्माण करवाया जाना था, युवा सम्मान योजना थी, गरीब बेटियों के लिए 51,000 की राशि बढ़ा करके कर दी थी। इस तरह से विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनका जो वचन पत्र के माध्यम से वचन दिया था प्रदेशवासियों को, वो लगातार उस पर सक्रियता से काम किया जा रहा है और प्रदेश में लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस काम कर रही है। राहुल गांधी ने बोला कि 6,000 रुपए का महीना देंगे गरीब आदमी को 72-41 साल, इस पर कहाँ तक वादा रहेगा, जनता को कितना लाभ मिलेगा इससे? देखिए ऐसा है कि न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत जो मिनिमम जैसे कि गरीब परिवार के लोग हैं जी। देश में सर्वे के अनुसार 5 करोड़ गरीब परिवार के गरीबी रेखा के जीवन नीचे के लोग भाग जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन 5 करोड़ परिवारों को यदि हम 6,000 रुपये प्रति माह उन्हें एक मुश्त राशि उनके महिलाओं के खाते में जमा कराएंगे, इस तरह से 20 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे उन परिवारों। और कांग्रेस ये 72,000 की जो योजना है उसको लागू करेगी और लोगों के बीच में उसका लाभ भी दिलाएगी। कांग्रेस से प्रताप सिंह लोधी को दमोह से टिकट मिली है, उनके लिए क्या कहना, कहां तक जनता जुड़ रही है, क्या अपेक्षा चल रही है कांग्रेस युवा कार्यकर्ता में, कितना जोश है? देखिए ऐसा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के प्रतिनिधि के रूप में दमोह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रताप सिंह लोधी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। यहाँ पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं प्रहलाद पटेल, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए उन्होंने कोई उस बड़े नेता होने के नाते कोई बड़ा काम विकास का नहीं किया है जिसके तहत कि वो अपनी इस विधानसभा में छाप छोड़ पाए हों या संसदीय क्षेत्र में छाप छोड़ पाए हों। लेकिन प्रताप सिंह लोधी पूर्व में भी कांग्रेस के विधायक रहे जबेरा विधानसभा से, सरल सहज स्वभाव के धनी, व्यक्तित्व के धनी हैं वो और उनकी क्षेत्र में लोगों के बीच में पकड़ है। और जहाँ तक संसदीय क्षेत्र की बात है तो इस समूचे संसदीय क्षेत्र में हमारे 3 विधायक कांग्रेस के जीते हुए हैं और लोगों का अब विश्वास भी है, क्योंकि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते नरेंद्र मोदी जी की जो उन्होंने एक वचन दिया था घोषणा पत्र के माध्यम से कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो हम काला धन वापस लाएंगे, जनधन के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। गाय गंगा और गौ की राजनीति करने वाले ये सब अब ऐसा बेमानी से साबित हो गया है, लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम चले गए हैं। इसलिए इस बार युवाओं में जोश है, महिलाओं में जोश है, किसानों में जोश है और यहाँ तक कि गरीबों में जोश है कि कांग्रेस सरकार हमें 72,000 की न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत। क्या UPA की सरकार लगभग कितनी सीटें आएंगी, मध्य प्रदेश में क्या बढ़ सकती लोकसभा में सीटें, उस पर आपका क्या कहना? हमारा कहना यह है कि आप मध्य प्रदेश की ही बात न करें, भारतीय जनता पार्टी की सीटें हर जगह कम होना है, चाहे वह उत्तर प्रदेश को भी आप ले लीजिए, आप महाराष्ट्र में ले लें, आप छत्तीसगढ़ में ले लें, राजस्थान में ले लें, मध्य प्रदेश में ले लें, हर जगह कांग्रेस की सीट बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी की सीट कमना है। और ये UPA की गठबंधन वाली सरकार है और ये मैं आपको निश्चित ही कह देना चाहता हूँ कि UPA की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री। देख सकते हैं खास तौर पर काफी मुद्दों पर चर्चा हुई। नरेंद्र दीक्षित जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, काफी पुराने राजनेता सुलझे हुए राजनेता के पे काम कर रहे हैं। अब बात आई इनकी पार्टी की, सरकार भी आ चुकी, पार्टी भी इनकी है मध्य प्रदेश शासन में। अब देखना कहां तक किस प्रकार से विकास होता है बड़ा मलेरा क्षेत्र का और ग्राम पंचायतों में निधि कितनी सांसद द्वारा विधायक द्वारा मिलती। नीर विश्वकर्मा की रिपोर्ट, बड़ा मलेरा नगर पालिका से बुंदेलखंड मध्य प्रदेश। खबर समय जगत के लिए बड़ा मलेरा से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।